कैसे आप सब? होप करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे और आगे भी रहेंगे। आज का जो प्लान है कुछ इस तरह है कि मैं, पापा और कजन भैया जो हैं, हम जा रहे हैं अहमदाबाद। अहमदाबाद क्यों जा रहे हैं? क्योंकि दो रीज़न है। एक तो आज भाई दूज है, 16th of November है, तो भाई दूज है आज। और दूसरा चीज तो पापा का उनकी बहन से मिलना भी हो जाएगा और मेरी एक सिस्टर भी आई हुई है जो बुआ की बेटी है, तो वो डॉक्टर है, तो उनको अभी कोरोना के वजह से टाइम मिला नहीं, वो आए हुए हैं, तो उनसे मिलेंगे, उनको सरप्राइज देने जा रहे हैं। तो देखते हैं कैसा क्या रहता है। और एक तो काम भी है, वो भी निपट जाएंगे। मैंने कहा मैं फ्री बैठा हूँ, तो मिलना भी हो जाएगा और घूमना भी हो जाएगा, अपने को क्या है ना। तो बस वहीं जा रहे हैं। देखो सफ़र कैसा रहता है, अभी तक का जो सफ़र है थोड़ा ठीक ठाक ही रहा है, बाकी आगे देखो क्या होता है। नहीं है कि मेरा जी घबराए गाड़ी के टाइम पे, मतलब गाड़ी में जाते टाइम, पर इस टाइम जो है आज पहली बार मेरा जी घबराया है। तो अभी ऑरेंज खाया है, ठीक है, और खाली पेट ही था लगभग, मान के चलो। तो आप जब भी सफ़र करो तो खा पी के ही निकलना, ठीक है। और अभी ऑरेंज खा के ठीक है, अभी ठंडा कोल्ड ड्रिंक थोड़ा सा लूँगा, थोड़ा सा पूरा 100% नहीं कह सकते पर 50-50 कह सकते, ठीक है। बुआ कैसा लगा आपका सरप्राइज? बहुत अच्छा लगा बेटा, बहुत अच्छा लगा। आज तो आज मैं शॉट हो गई, 28 साल के बाद सरप्राइज मिला है, अच्छा मिला है। तो गाइस ये पापा, ये बुआ, ये मेरे पापा। पापा ने सरप्राइज दिया है, बहुत ही अच्छा लगा है बुआ को, भाई दूज का। और देखो ऐसे हम फैमिली वाले बंदे हैं, तो देखो फैमिली के साथ ही रहते हैं और दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, दोनों के साथ बराबर का रेशियो बना के चलता है। और ये मेरा भाई है, ये मेरी दीदी है,
जो डॉक्टरी कर रहे हैं ये पुणे से आए हैं, तो इनसे भी मिलना होगी अपना, और बाकी तो सब है ही है। फूफा सा की बहन है, ये उनके हस्बैंड है, ये हमारे बा है जो फूफा सा की मम्मी है, 80 ईयर्स के हैं, तो भी देखो एकदम हेल्दी वेल्दी है, एकदम कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से चलते खाते पीते मस्त रहते हैं। बुआ ही है मेरे, तो ये है अपनी फैमिली। सो गाइस, जो मेरे पीछे आप देख रहे हो वो है यहाँ का विधानसभा, यहाँ मोदी जी बैठते थे, मतलब सीएम ऑफ गुजरात बैठते थे, तो इस जगह की वैल्यू कितनी होगी आप सोच लो, क्या प्राउड वाली फीलिंग आ रही है। और यहाँ पे रोड तो आप देख लो, एकदम चुम्मा चुम्मा रोड, चुम्मा आय हाय हाय, अपने उदयपुर में ऐसी रोड बन जाए ना तो मज़ा आ जाए सही में। और यहाँ की जो वाइब्स है, फील है, मतलब एकदम प्लेजेंट वाला माहौल है, थोड़ी ठंड कम है उदयपुर से कंपेयर करें तो, बाकी सब ठीक ठाक ही है। और विधानसभा यार कितना भयंकर बड़ा है यार, अब देखो मतलब मज़ा आ जाएगा। इतना प्यारा सनसेट हो रहा है, ये अपनी पड़ी कार भाई की, और ये कार चला के तो मज़े आ गया, मतलब आप सनरूफ जो है ना सबसे प्यारा फीचर लगा मुझे इस कार का, बहुत शानदार गाड़ी है, मज़ा आ गया चला के तो। और अब मैंने तो चला ली, अब भाई चलाएगा, डायरेक्ट फटाफट घर चलते हैं क्योंकि लेट हो चुके हैं, और सुबह 12 बजे निकले थे घर से, और आते आते हमको हो गया था 3 बज गए थे, 4 बज गए थे, तो टाइम हो चुका है। अभी कितने बज रहे हैं? अभी 5:30 बज रहे हैं, तो ऑफिस 4 घंटे तो हमको लगेंगे क्योंकि सड़क का काम बहुत ख़राब है, अभी सड़कें ख़राब है, टूटी फूटी है, तो आप समझ रहे हो ना। बाकी स्मूथ ही था, जो अगर सड़क बन जाएगी तब तो आराम से 2.5 से 3 घंटे में आप आराम से आ सकते हो। और इस टाइम फास्टैग भी लगा लिया, तो धनंजय बोलना मत कमेंट में कि फास्टैग लगाया नहीं, ठीक है इस बार लगा दिया है और आराम से आए हैं, फटाफट आ गए, बस सड़क का काम था इसलिए 4 घंटे लगे, वरना 2.5 से 3 घंटे में आ जाते हैं। तो अब मैं मिलता अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी खम्मा गड़ी।